हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में। आज की जो वीडियो है वो हमने बनाई है सीटेट यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ क्वेश्चन हैं उनके टॉपिक के रिलेटेड। जो 40 क्वेश्चन है वो हम रिपीट करेंगे, वन लाइनर में है। जो जो ये क्वेश्चन है इससे ऊपर एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, ये हमारा वादा है आपसे, गारंटी है। हमने क्या किया है कि एक टॉपिक है, उस टॉपिक में से जो जो क्वेश्चन बनते हैं उससे रिलेटेड वो हैं। ये टोटल 40 क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? जो हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है वो है फीमर, जो जांघ में होती है। सेकंड क्वेश्चन है, शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? वो है स्टेपीज, जो कान में होती है। सबसे छोटी हड्डी है जो स्टेपीज है, और सबसे लंबी हड्डी है फीमर, जो जांघ में होती है। थर्ड क्वेश्चन है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? वो है मंडीबल, जो जबड़े में होती है। हमारे जबड़े की हड्डी है जो सबसे मजबूत हड्डी है। जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? होता है हल्का गुलाबी। ये पेंटिंग में स्थित जहाँ हल्का गुलाबी होता है, और 15 दिन के बाद है जो स्थायी रंग को त्वचा है जो प्राप्त कर लेती है। नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? नवजात शिशु है जो 18 से 20 घंटे, परंतु वह हर 2 घंटे में जाकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। यानी कि जो नवजात शिशु है, नवजन्मा शिशु होता है, 18 से 20 घंटे सोता है, और वो हर 2 घंटे बाद जागता है और अपनी मांसपेशियों का जो घुमाता है दाएं और बाएं की ओर। बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? यानी कि 6 ईयर तक वो है 90%। बालक का जो विकास है, जो उनकी हाइट है, जो ग्रोथ है, वो हमको पता चल जाता है, और जो उनका विकास है 90% हो जाता है। इसके बाद जो 10% है वो विकास ही रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? जब 6 वर्ष था तो 90% था, और जब बालक 10 वर्ष तक होता है तो उसका 95% विकास है जो हो जाता है। बाल अवस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं? बाल अवस्था में बालक की हड्डियां की संख्या 270 से 350 तक हो जाती है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम सोचते हैं कि हमारे शरीर में जो हड्डियाँ इतनी नहीं है, लेकिन जो बालक अवस्था होती है उसमें हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं। जो जो वो ग्रोथ करेगा और उम्र की ओर बढ़ेगा तो हड्डियाँ हैं जो कम होगी, ग्रोथ के हिसाब से हड्डियाँ बढ़ती हैं। जो बालक बालक बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की संख्या है 270 से 350 तक हो जाती है। निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ? वो था जम्मू कश्मीर। शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? वो है 25%। बुद्धि से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? जिनकी 25 से कम बुद्धि वाला वो है जड़, उन्हें हम जड़ बुलाते हैं, जिनकी बुद्धि 25 से कम होती है। यौन जाति समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, ये किसने कहा था? ये एक लाइन है जो किसी विद्वान द्वारा कही थी, वो थे रास। रास ने कहा था कि जो यौन है यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोर अवस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, ये राव ने कहा था।
कुशग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यशीलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। ये कथन किसका था? ये था हैविंग हासर्ट का कथन है ये। पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। ये किसने कहा था? ये कहा था सिरिल बार्ट ने कि जो एक पिछड़ा हुआ बालक है और अध्ययन के मध्यकाल में उसकी कक्षा का कार्य है और वो कार्य है जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है तो फिर भी वो उसमें करने को असमर्थ है, वो नहीं कर पाता। ये कथन किसने कहा था? ये कहा था सिरिल बार्ट ने। समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। ये कथन किस मनोविज्ञान का है? यह बेलेंट टाइन। वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। ये किसने कहा था? ये कहता हीली ने। जो हमारी सोसाइटी होती है उसके हिसाब से वो जो आचरण का पालन नहीं करता बालक और हम उन्हें अपराधी का नाम दे देते हैं। ये कहा था किसने? कहा था ये कहा था हीली ने। बुद्धि के किस दांत को भालू का ढेर कहा जाता है? एक भालू का पत्थर भी होता है। बुद्धि के किस सिद्धांत को भालू का ढेर कहा जाता है? वह है बहुतत्व सिद्धांत को। वह है भालू का ढेर भी कहा जाता है। व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। ये कथन किसका था? ये कथन था लेवेटर का कि किसी व्यक्ति के चेहरे को देखकर जो उनकी बुद्धि का है कि उनकी बुद्धि कितनी होगी उसका है जो पता लगाया जा सकता है। ये कहा था लेविटर ने। बेस ख्यार्थी जो सबुद ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उसके पास होता है। निष्पादन उपागम अभिविन्यास। जो विद्यार्थी जस ख्यार्थी सबुद ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास निष्पादन उपगम और अभिविन्यास होता है। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। ये कथन दिया गया था सर्मन एम ओडन द्वारा। जो प्रतिभाशाली बालक है और जो अपने उत्पादन की मात्रा दर और अपनी गुणवत्ता में विशिष्ट होता है यानी कि हर काम में अच्छा होता है, अच्छा रिजल्ट होता है। ये कथन किसने कहा था? टर्मन नैव ओडन द्वारा। सो गाइस, ये 20 क्वेश्चन थे। अगले जो 20 क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो काफ़ी जो लॉन्ग है वीडियो बन जाती है और आपको स्टडी करने में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसलिए हम 20-20 कर कर आपको ये क्वेश्चन है जो प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट कल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं करंट अफेयर के साथ भी, सी टेट एक वीडियो सी टेट की और एक वीडियो है जो करंट अफेयर जीके की, तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।